हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो V30e 5G फ़ोन है तो वीवो V30e 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप फ़ोन के सॉफ्टवेयर वगैरह को कैसे अपडेट कर सकते हैं और फ़ोन का सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे अपडेट कर पाएंगे वीवो V30e 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कैसे कर सकते हैं और कर पाएंगे वीवो V30e 5G फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइकन शो हो रहे हैं जिसमें स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे जिस पर जाकर सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेट कर सकते हैं और कर पाएंगे। देख सकते हैं कि सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स है ओपन हो जाते हैं जिससे अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है जहाँ से सिस्टम सेटिंग्स से क्लिक करना है और रीसेट ऑप्शंस पे जाना है जहाँ से सॉफ्टवेयर अपडेट आप कर पाएंगे और कर सकते हैं। रीसेट ऑप्शंस पे जाना है या फिर आप यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि बैक करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि आपके पास सिस्टम अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट आशा है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन है तो यहाँ से अपडेट चेक करके फ़ोन को अपडेट कर पाएंगे और सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।